उदास मत हो मेरी जान। काश कि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन कभी कभार वालदैन ना चाहते हुए भी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर बैठते हैं। अम्मी बहुत गुस्से में थी। हाँ, लेकिन इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी अम्मी आजकल मसरूफ हैं, इस वजह से वो कुछ चिड़चिड़ी हो रही हैं। वरना हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? आप मेरी वजह से झगड़ रहे थे ना? मेरी जान, कहा ना, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए गुस्से में होती क्योंकि अम्मी आपसे प्यार करती हैं। ये बात कहाँ से आ गई? देखो, अभी हमारी उस मौजू पर बात नहीं हुई। करीम से मोहब्बत कौन करता है, इस पे बात होना बाकी है अभी हमारी। जी जी, मैं समझ गई। अम्मी आपसे प्यार करती हैं, और जो प्यार करता है वो अफ्रीका थोड़ी जाता है। सही कह रही हूँ ना बाबा? बाप बेटी में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे हम। अगर तुम अपने बाबा के साथ यूं ही बैठी रही तो हमें देर हो जाएगी। तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान छोटी सी लड़ाई हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्या मेरी माफी कबूल करोगी? अच्छा ठीक है, कर दूंगी। ओ मेरी प्यारी बेटी। ठीक है, तो जाकर तैयार हो जाता हूँ मैं भी, बस अभी आया। आए अम्मी, हम बैठते हैं। चलो। ड्रेस अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। अब तो मेरी गुड़िया का मूड अच्छा है ना? जी बाबा बिल्कुल। चलो तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक है अंकल। जबरदस्ती तो नहीं ले जा रहा ना तुम? नहीं, खुशी से चल रही हूँ। फिर ठीक है। और हाँ एक बात और, ये ड्रेस बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा साइज जो ध्यान से लिया था मैंने, अभी तक वो मेरे दिमाग में है, भूला नहीं हूँ मैं। कैसे हैं तान साहब? मैं ठीक हूँ खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी आती हूँ। जरूर। वाह बहुत अच्छा इंतजाम है बैरन साहब। असल में तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने जो जगह ढूंढी है वो बहुत अच्छी है। कैसी बात कर रही है, काम है मेरा। हमारे लिए अहम ये है कि सप्लायर्स से नजात साहब और उनकी वाइफ नहीं आए अब तक? बस आने ही वाले होंगे। यकीनन अपनी वाइफ के साथ ही आएंगे। जी हाँ, वो उनके साथ ही आएंगे। देखे आप ही गए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? हम भी ठीक। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक चल रहा है। इतान साहब से कुछ मुझे जरूरी काम है, मैं अभी वापस आती हूँ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम लोगों का इंतजार हो रहा। शुक्रिया। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया तुम्हारा। बैरिन साहब कहाँ हैं? मिल लेते हैं उनसे जाकर। वो अभी यहीं थी, तुम ही लोगों की मुंतजर थी। अभी बाकी मेहमानों से मिलने गई हैं, आती होंगी। मीठे में बहुत दिलचस्प चीजें हैं, चलो ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। ठीक है। कुछ बेहतरी आई तुम लोगों के ताल्लुकात में? समझी नहीं मैं। निजात और तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बस ठीक है। मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो परेशान होती। हम इस तरह से बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे खुशी है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, मुझसे बात कर लेती हो। क्या वाकई? हाँ, कितना अच्छा होता ना अगर हम शुरू से ही दोस्त बन जाते। क्या तुम अपना सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर कर सकती हो मुझसे? तुमने कहा था कोई और है तुम्हारी जिंदगी में, हालांकि तुम मुझसे झूठ भी बोल सकती थी, कोई और बहाना बना सकती थी, लेकिन जो सच था तुमने वही कहा, भरोसा किया मुझ पर। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या मैं भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, बता सकती हूँ क्या तुम्हें कुछ? भरोसा कर सकती हूँ हांदे। तुम जानती हो कि निजात और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। तुम्हारे आने से पहले हमारी दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली थी, और फिर अचानक तुम वापस आ गई, और शायद तुम्हारे आने के बाद निजात ने अपना इरादा बदल दिया। तुम कहीं ये मत समझना कि मैं तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बिल्कुल, मगर तुम लोग एक फैमिली हो तो ये सब कुछ भी करना जरूरी था। निजात भी हक पर ही है, ये सब माहिरा की खातिर है। अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन निजात ने इस बारे में कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे, और मैं नहीं चाहूंगी कि हम दोनों के दरमियान ऐसा राज रहे कोई। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं वाकई कुछ नहीं जानती इस बारे में। अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता वो।
मैं जरा रेस्टरूम से होकर आती हूँ। और हाँ, ये सब कुछ बताने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा हांदे। आइलिन, सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों कहीं बाहर जाएं, घूमें फिरें, थोड़ा एंजॉय करें एक दूसरे के साथ, क्या ख्याल है? और फिर चाहो तो तुम हम दोनों को अकेला छोड़कर जा भी सकती हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सोचते हैं इस बारे में कुछ। आती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। जलील इंसान। कैसे घूम फिर रहा है, देखो जरा। क्या कर रही हो मेरी जान? कौन है ये? क्या तुम अपने पुराने दोस्त को देख रही हो? गलती से किसी तस्वीर को लाइक ना कर देना उसकी। मोहतात रहना। इसे परेशान क्यों कर रही हो जानान? हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए हमें। और इंसान किसी से तो ताल्लुक बनाएगा ना। आयशा मेरी जान, उसके लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं है, ये चैप्टर बंद हो चुका है। ठीक है। आयशा अंदर चल कर देखते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलते हैं। बुजू, तुम यहाँ कैसे? बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ मैं। वैसे तुम यहाँ आई क्यों हो सोना? हमें तो यही तय हुआ था कि ये मियाँ बीवी वाला ड्रामा खत्म कर दोगी। कहीं एहसास तो नहीं हुआ कि मोहब्बत हो गई है? बेवकूफों वाली बातें मत किया करो। वैसे ये बताओ, जो हमने प्लान बनाया था उसका क्या हुआ? नहीं, उस प्लान से कोई काम नहीं बनेगा क्योंकि उससे माहिरा मुतासिर होगी। तो तुमने फिर से खेल शुरू कर दिया। ये सब छोड़ो, क्या ऑफिस में हांदे और निजात के ताल्लुकात के बारे में कुछ सुना है? क्या उन दोनों के दरमियान वाकई कुछ है? पता नहीं, हांदे की बातों से तो लग रहा था। वैसे मैं देख रही हूँ तुम्हारी और हांदे की बहुत अच्छी बन गई है सोना। क्या मेरे सवाल का सीधी तरह जवाब दोगी? मुझे इस बारे में कैसे मालूम होगा सोना? उस ऑफिस में काम शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं मुझे। और वैसे तुम्हें इस बात में दिलचस्पी क्यों है? कहीं सच में निजात से प्यार तो नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पागल हो गई हो तुम शायद। अल्लाह इस इंसान को गारत करे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे छोड़ो। तुम क्या कह रही थी? बुर्जू, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस निजात का क्या करूं यार। और ऊपर से हांदे ने तंग कर रखा है। कह रही थी कि हम तीनों क्लब जाते हैं और वहाँ मैं उन दोनों को अकेला छोड़ दूं। तुम ये साबित करना चाह रही हो कि तुम निजात से प्यार नहीं करती? हाँ। तो इससे अच्छा मौका क्या होगा? जाने दो उन्हें अकेले, उन्हें एक साथ वक्त गुजारने दो। अगर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। समझ गए? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हांदे माहिरा के लिए सही माँ साबित होगी। सोना, वो एक शाम बाहर जाने से शादी नहीं कर लेंगे। क्या पता निजात साहब को वो औरत पसंद ही ना आए। कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी 3 महीने के बाद तुम उनकी जिंदगियों से निकल जाओगी। सही कह रही हो ना? क्या उसके बाद भी तुम हांदे और निजात की जासूसी करती रहोगी? यहाँ मजीद खड़ी रही तो पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। बुर्जू, बुर्जू कहाँ जा रही हो? सारकान साहब, मैं जा रही हूँ, माफी चाहती हूँ। रुको, क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा मंगेतर है? ना ही वो मेरा दोस्त है, ना ही मेरा मंगेतर है। और आपसे अपनी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस करूं? कहीं ऐसा ना हो कि सारी भड़ास आप पे ही निकाल दूं। अपने सुकून के लिए निकाल सकती हो। हाँ ठीक है, हाल ही में मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तुम्हें जो भी कहना है तो मुझे कह सकती हो। आपसे कुछ नहीं कहने वाली मैं। बेहतर होगा मैं यहाँ से चली जाऊँ। बुर्जू, वैसे रोकना तो तुम्हें मैं भी नहीं चाहता, लेकिन सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही चल लूँ ताकि तुम्हें हौसला मिल जाए। ये मुमकिन नहीं, आप पार्टनर हैं और ये दावत आप लोगों के लिए रखी गई है। नहीं, ये फैमिलीज के लिए है और मैं अकेला हूँ। इन्हें मेरी गैर मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा। चलो तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। आप जिस जगह मुझे लेकर जाएंगे वहाँ सुकून नहीं मिलेगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरी गाड़ी मंगवा दें प्लीज। हांदे, वो सब कुछ तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे भी तुम्हें बताकर खुशी हो रही है। नहीं नहीं, बल्कि पता है क्या करें हम लोग, आज रात बाहर चलते हैं, तुम, मैं, निजात, बहुत मज़ा आएगा और फिर वही होगा जो तुमने कहा था। अच्छा वाकई में? हाँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं हांदे। बैरिन साहिबा। अरे निजात साहब, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आपके लिए फिक्रमंद हो रही थी मैं। हाँ, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अब माफी चाहती हूँ, इतने सारे मेहमान हैं, एक एक से मिलते मिलते आप तक पहुँच ही नहीं पाई मैं। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ? मैंने यहाँ आकर अपना फर्ज निभा दिया है।
तुम निजात के सामने कोई बहाना बना देना, मुझे माहिरा की फिक्र है। वो तो ठीक है मगर रात में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, सी यू। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपका तारुफ आइलैंड से करवा देता हूँ। क्यों नहीं, खुशी होगी मुझे। प्लीज इस तरफ। हांदे आइलैंड कहाँ है? उसको जाना था, बस अभी ही निकली है वो। या अल्लाह, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। माहिरा की टेनिस क्लास थी, वो उसे लेने के लिए गई होगी वहाँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चे सबसे पहले, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। आप लोगों की इजाजत हो तो फिर मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। निजात की ऑफर कबूल कर लो। वैसे आज रात आइलैंड ने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है। क्या वाकई में? कैसा प्लान? माफी चाहता हूँ। जी कहिए। निजात साहब, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कस्टमर आपके ऑफर पर रजामंद हो गया है। अच्छा, वाकई? जी बिल्कुल। ये तो खुशी की बात है। मैं तफसील से बात करने के लिए फिर कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे बच्चों, आज तुम लोगों को छोड़े मुझे पूरे 15 साल हो चुके हैं। 15 साल तुम लोगों ने यही सोचा कि मैं मर चुकी हूँ। अपने बाबा पर गुस्सा मत करना। शायद इस बढ़ती हुई उम्र में तुम्हारा मुझे मरा हुआ समझना ही बेहतर था। इतना अरसा तुम लोगों से दूर रहने के बाद मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। काश कि मैं तुम लोगों को गले लगा सकती और चूम सकती। सोना। क्या कर रही हो तुम? माहिरा से किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ। तुम आज अचानक उस तकरीब से आ गई, क्या कुछ हुआ था? बोर हो गई थी वहाँ, और वैसे भी काफी देर हो गई थी, और मुझे घर आकर ये भी बनाना था। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा होता अगर मुझे बताकर चली जाती। मैं तो बैरिन साहिबा को तुमसे मिलवाना चाह रहा था, लेकिन तुम वहाँ थी नहीं। माफी चाहती हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, लेकिन पहले तुम चले जाओ निजात। मैंने माहिरा से वादा किया है तो उसे पूरा कर आऊंगी। ये प्लान तुम दोनों का है, हांदे नाराज हो जाएगी। मेरे बगैर भी इंजॉय कर सकते हो ना, और वैसे भी मेरे ख्याल से तुम लोगों को जरूरत है इसकी। तुम पक्का आओगी ना बाद में? हाँ हाँ आऊंगी मैं। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। तुम्हारी और हांदे की दोस्ती हो ही गई, तुमने मुझे हैरान कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया है। अच्छा है। मैंने सोचा कि हम एक साथ चलेंगे, जहनी तनाव दूर करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। सारकान को भी कॉल की थी लेकिन उसने उठाई नहीं। वैसे तुम दोनों अकेले हो गए, ये तो अच्छा है ना? क्या मतलब? तुम्हारी बातों से ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं आओगी वहाँ। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है, आऊंगी मैं। चलो अब तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। सोना, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। उम्मीद है। चलो अब जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हांदे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तो उसे इंतजार मत करवाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ज्यादा देर मत लगाना, चेंज करो और आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाऊंगी मैं जल्दी। हाँ हैरी, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छा। देर मत करना, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। क्या देख रहे हैं ऐसे? क्या कुछ कहना है? हैरी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अब इसमें एक चम्मच काली मिर्च डालेंगे, ठीक है ना? हाँ, काली मिर्च, ठीक है। पिसा हुआ बेसन डाल देना और पतीले पे ढक्कन डाल के हल्के आंच पे रख देना। मैंने क्या कहा समझ गए ना तुम? तुमने मुझे पीसने का कहा ही नहीं। अब ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? हाँ, इतना तो खुद भी पता होता है। ओ मेरे खुदा। अच्छा ठीक है, रुको जरा। अच्छा अच्छा ठीक है हैरी, परेशान मत हो, थोड़ी देर हल्की आंच पे रख देना, तब तक तैयार हो जाएगा।
ठीक है। घर में सब ठीक है और बाबा ठीक है तुम्हारे? बस मत पूछो, ना मैंने उनसे कुछ पूछा ना उन्होंने खुद कुछ बताया मुझे। तुम्हें लग नहीं रहा कि मैं परेशान हूँ? सोना की हालत भी कुछ ऐसी ही है। तुम तो फिर भी बात कर रही हो, वो तो इस बारे में किसी से कुछ नहीं बोल रही। निजात साहब पूछ पूछ कर थक गए। उसका यहाँ जिक्र क्यों? सोना को क्या बताना था? तुम्हारे वालिद के मसले के बारे में, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अरे सोना इस बारे में कुछ नहीं जानती है क्या? बाकी हाँ बिल्कुल। हैरी तुमने उसको कुछ बता तो नहीं दिया ना? अरे नहीं नहीं, उससे कोई बात नहीं की मैंने। हाँ कहना भी मत उसे कुछ, वरना वो भी बिला वजह परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है फिर, तो मुझे याद से बता देना, ठीक है? चलो पहुंच गए भाई। सारकान साहब, हम दोनों की आदतें बहुत मुख्तलिफ हैं। आपको मैं बता दूं कि मुझे ये लाउड म्यूजिक सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आप जैसे बड़े लोगों के लिए होता है नाचना गाना और एंजॉय करना। एक तो तुम बिना जाने कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। यहाँ मैं सुकून के लिए आता हूँ, यहाँ मुझे अच्छा महसूस होता है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ ले आया। क्या मतलब आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस जगह पे आए हैं ये नाइट क्लब नहीं, नहीं। है? कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ सरकान साहब, खुश आमदी। शुक्रिया। कितनी टिकट? दो दे देना मुझे। शुक्रिया, आ जाओ। क्या हुआ हैरी? तुम लोग तो साथ जाने वाले थे ना? मुझे ये काम खत्म करना था तो बाद में चली जाऊंगी मैं। इसे मैं देख लूंगा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मैं खुद करूंगी, शुक्रिया। वो हांदे साहिबा के साथ अकेले होंगे। हाँ तो क्या करूं मैं, बताएं? तुम इन दिनों बगैर सोचे समझे कुछ भी करती जा रही हो, मुंह फट होती जा रही हो आशिकों की तरह। क्या मतलब आपका कि आशिकों की तरह? फजूल बातें मत किया करें और कॉफी का कप लेकर मेरे सर पर खड़े मत रहे, जाएं काम करें अपना। ओपन एयर सिनेमा? आप क्या वाकई मुझे इस जगह मूवी दिखाने ले आए हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह होती है। हाँ हम मूवी देखने आए हैं बुरजू, दूसरों की कहानी में डूबेंगे तो ही अपनी कहानी से फरार पा सकेंगे। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आ जाओ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरफ। क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बेहतर होगा मैं बाहर चली जाऊं, क्योंकि माहिरा ने सारे खिलौने गार्डन में फैला दिए हैं। फोन साथ नहीं ले जाओगी? हाँ नहीं ले जाऊंगी। स्टोरी शेयर किए देखती हूँ, यकीनन कुछ तो किया होगा। क्यों नहीं किया अभी तक? हांदे साहिबा का पेज देख रही हो? नहीं तो? जब तुम वहाँ जा ही नहीं रही तो इस तरह तुम उनकी जासूसी क्यों कर रही हो? किसी की भला मैं जासूसी क्यों करूंगी, मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? वो तो मेरे सामने आ गया तो देखना शुरू कर दिया। आप जाए यहाँ से। कंफर्टेबल तो होना यहाँ। वैसे बहुत अरसा हो चुका है हमें ऐसी जगह पर एक साथ आए हुए, अच्छा लग रहा है।
ये आयलन पता नहीं कहाँ रह गई, पता नहीं आने में देर क्यों कर दी उसने। हो सकता है उसे कोई और जरूरी काम याद आ गया हो। जैसा कि निजात उसकी जिंदगी में कोई और भी तो शामिल है ना। देखो ये तो अच्छी बात है कि तुम ये सब कुछ माहिरा के लिए कर रहे हो, मगर आईन की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और भी है और तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये नहीं समझ पा रहे। नहीं पड़ता क्योंकि हमारे दरमियान यही तय हुआ है, हम ये सब माहिरा की खुशी के लिए कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छे बाप हो निजात, मुतासिर होती हूँ तुमसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो निजात खड़े मत रहो, अब हम लोग डांस करते हैं। मुझे डांस करना पसंद नहीं, तुम जानती तो हो। चलो ना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा निजात, मैं तुम्हें स्टेप सिखा दूंगी। मुझे इस सब से क्या, क्यों सोच रही हूं मैं बार बार उस बारे में। तुम ठीक हो सोना? हाँ हाँ ठीक हूँ। आखिर तुम गई क्यों नहीं? निजात साहब इंतजार कर रहे होंगे। क्या वाकई? हाँ जाहिर है, इंतजार तो कर रहे होंगे। तुमने आने का जो कहा था। मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद भी जा सकती हूँ वहाँ। तो जल्दी करो, देर मत करो, फौरन तैयार हो जाओ और ये शाम जाया मत करो। जाऊँ मैं? हाँ ना, जा रही हूँ। जाओ फौरन जाओ। लगता है मेरी वजह से आपकी रात खराब हो गई। कुछ खराब नहीं हुआ, बस एक दोस्त से मिलना था, उसे मना कर दिया। तो कोई खास ही दोस्त होगा? छोड़ो ये सब, ये बताओ अच्छा महसूस कर रही हो? जिसके लिए अपनी जान देने चली थी, क्या वो शख्स इस लायक था? इस लायक तो नहीं था, मगर इंसान हो ना, दिल टूटने पे दुख तो होगा। और वो तुम्हारा मंगेतर भी था ना? मिलने के कितने अरसे बाद मंगनी की तुमने? 3 हफ्तों बाद। 3 हफ्ते? क्या सच कह रही हूँ? हाँ, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मंगनी पूरे 1.5 साल चली, और ये कोई छोटा अरसा नहीं। इतने दूर रह के भी? हाँ दूर रहकर भी, प्यार एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान दूर हो या करीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे प्यार नहीं कहते भुर्जू, तुमने खुद को धोखे में रखा। तुम उस शख्स को ठीक से जानती भी नहीं थी, अब भला कोई किसी को बिना जाने इतना भरोसा करेगा तो उसका अंजाम तुम्हारे जैसा ही होना है। खुद को देखा है आपने कभी? माफ कीजिएगा, मेरी दोस्त आज पहली बार यहाँ पर आई है। क्या इसमें भी मेरी ही गलती है कि किसी इंसान को जाने बगैर उससे मंगनी और प्यार कर बैठी? लेकिन जिस लड़की ने आपको 10 साल पहले धोखा दिया, आप तो उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे ना? बहुत। हाँ बहुत। इसका मतलब हम दोनों यहाँ इसीलिए हैं कि हमें धोखा मिला है मोहब्बत में। चाहे कोई किसी को कितना ही अच्छी तरह जान क्यों ना ले, लेकिन उसे भी धोखा मिल सकता है। वैसे आपने खूब रास्ता निकाला, उसके बाद आपने किसी औरत के साथ खुद को मुंसलिक नहीं रखा, इसलिए पहले आप औरतों का दिल तोड़ते हैं
और फिर तलाफी के तौर पर उन्हें फूल भिजवाते हैं। क्या हरकत है ये, सारे मर्द एक जैसे हैं। वैसे यकीन नहीं आ रहा कि सब मर्द एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वैसे आप उन मर्दों से जरा मुख्तलिफ हैं। लड़कियों को फूल भिजवाकर सूरत हाल संभाल लेते हैं। उस बेवफा औजान को तो ये भी तौफीक नहीं हुई कि तलाफी के तौर पर फूल भिजवा देता। क्या खामोशी से मूवी देखें? क्या आपको नहीं पता मूवी का एंड क्या होगा? आखिर में इन दोनों की सुलह हो जाती है और खत्म हो जाती है मूवी। क्या आप थोड़ा तेज गाड़ी चला सकते हैं प्लीज? क्या हम किसी और रास्ते से नहीं जा सकते? जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। आपको जहां जाना है वो गली करीब ही है। हाँ हाँ, तो पैदल ही चली जाती हूँ मैं। ये लीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मैं क्या कर रही हूँ? सोना, आइलैंड, आइलैंड साहिबा। क्या बात है निजात, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, बस मेरा जहन आइलैंड में उलझा हुआ है। पता नहीं उसे ऐसा क्या काम आ गया, उसने मुझे बताया भी नहीं। शायद उसके दोस्त को पसंद नहीं कि आइलैंड अपने साहब के शौहर के साथ ज्यादा वक्त गुजारे। हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक कॉल तो करनी चाहिए ना। मैं सारे कुछ देर में आती हूँ। आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड। क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? क्यों कर रहे हो तंग? नहीं जवाब दूंगी मैं। या मेरे अल्लाह, तुम ठीक तो हो? आई क्यों नहीं? हाँ नहीं आ रही हूं मैं, क्या करूं आकर? हांदे है ना वहां। कहिए निजात साहब। हैरी,
सोना अपना फोन नहीं उठा रही, मेरी बात करवाना जरा उससे। सोना तो आपकी तरफ आने के लिए घर से निकल चुकी है। क्या वाकई? ठीक है फिर मैं उसे ही कॉल करके देखता हूँ। खुदा हाफिज़ है। क्या कुछ हुआ है? लगता है कि आलन किसी मुश्किल में है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या मतलब कोई मुश्किल? तुम्हारी बात हुई है क्या उससे? बात ही तो नहीं हो पा रही, हो जाती तो बेहतर होता। मुझे अब बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा। हम दोबारा फिर से आ जाएंगे, अभी मुझे जाने दो प्लीज। समझ गई। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। जरूरत नहीं है, रिपत है बाहर। तुम नाराज मत हो ना, ठीक है? गुड नाइट, खुदा हाफिज। मैंने अंदर बहुत बातें की और हमारे तरफ जो भी लोग थे उन्हें बहुत परेशान किया, मैं माफी चाहती हूँ। आप जा सकते हैं, मैं टैक्सी पकड़ के चली जाऊंगी। मुझे जवाब नहीं देना, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? ओह, पढ़ भी क्यों रही हो सोना? मत पढ़ो, कितनी बेवकूफ हूं मैं। क्या करूं मैं? चलो देख लेती हूँ क्या लिखा है। ये क्या है? दरवाजे पर क्यों आया है वो यहाँ? ओफ, क्या मुसीबत है। ओफ यार, ओफ। हाँ,